हेलो फ्रेंड्स, ससी मिश्रा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने घर में बनाकर खाई होगी, खाते भी होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सरसों वाली करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। करेले की सब्जी तो आपने भुजिया, भरवा या गरम मसाले में सब्जी बनाकर खाई होगी, लेकिन जो मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी, कुछ लोगों ने खाई होगी, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं किस बात की। यहाँ पर मैंने दो करेले लिए हैं, इसको अच्छे से धोकर कपड़े से, पानी इसका जो भी है मैंने इसे साफ़ कर लिया है, और इसे हम छोटे छोटे पीस में काट कर ले लेंगे। यहाँ पर मसालों के लिए मैंने एक लाल टमाटर लिया है, पीली वाली सरसों है, अदरक लहसुन है, हम तीनों को एक साथ पीस कर पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर कुछ मसाले मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले हम करेले को, या तो आप चाहें तो इसके छिलके हटा लें, कई लोग हटाते हैं लेकिन मैं नहीं हटा रही हूँ, आप चाहें तो हटा सकते हैं। और छिलके को हटाएंगे, मैं भी हटा ही देती हूँ, थोड़ा सा कड़वा होता है कि थोड़ा थोड़ा इसे छील देंगे। आप इसको नमक डालकर आधे घंटे के लिए रख दें और इसका भुजिया भी बनाकर एक प्याज में डालकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदा भी करेगा। इसके सारे छिलके निकल गए हैं, इसमें थोड़ा सा एक पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डालकर इसे आधे कप पानी में डालकर इसे अच्छे से पीसकर इसका जूस बना लें। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो वो जूस पी सकता है खाली पेट रोज। अभी इसे हम साइड में रखेंगे। अगर करेला आपका बड़ा है तो इसमें तीन पार्ट करेंगे, छोटा है तो दो पार्ट करेंगे, तो मैं इसमें तीन पार्ट कर रही हूँ। और इसे हमें ऐसे काटना है, एक में तीन, ये देखिए, और बीच से थोड़ा सा तीन या चार कट लगा देंगे ऐसे। ऐसे ही सारे करेलों को काट लेंगे। देखिए सारे करेले मैंने काट लिए हैं। अब इसको हम, इसका जो कड़वापन दूर करने के लिए हम रखेंगे एक बोल में पानी। अगर आपको कड़वा करेला खाना है या डायबिटीज है आपको, तो आप ये ना करें, लेकिन जिसको कड़वा करेला पसंद नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ, एक बोल में पानी रखें, पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और ये है अमचूर पाउडर, और इसमें हम करेलों को डाल देंगे ताकि जो भी इसका कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और इसे हमें आधे घंटे के लिए ऐसे इसी पानी में छोड़ देना है। आधे घंटे हो चुके हैं, अब इसका जो पानी है इसे हमें धोकर अच्छे से साफ करके फिर करेले को निकाल लेंगे। तो चलिए मैं इसको, ये सारा पानी निकाल कर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन, थोड़ा डालेंगे अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए अच्छे से अलग से ढक के रख देना है। तब तक मैं मसालों को पीस कर तैयार कर रही हूं। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, इसमें है सरसों, अदरक, टमाटर और लहसुन, इसे हमें साइड में रखना है। और एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। और ये जो मैंने थोड़ा सा मैरिनेट करके रखा था करेले को, अब इसमें हमें इसे चारों तरफ से एक एक पीस डालना है। मैं इसे थोड़ा सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे ना भी करें, ऐसे भी बना सकते हैं, अच्छा बनेगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। ये हमारा सारा आ गया इसमें, अब इसे थोड़ा दो से तीन मिनट बाद इसे हम पलट देंगे ऐसे ही, थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट इसे हमें
ऐसे ही फ्राई करना है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही पलटते जाएंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई डीप फ्राई भी नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा शेलो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से थोड़ा कलर भी इसके अच्छे दिख रहे हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसे हम ऑफ़ करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मसाले भूनने की तैयारी करेंगे। अब सेम पैन में डालेंगे पंचफोरन। इसमें है मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा और डालेंगे सरसों का तेल। और इसे हमें अच्छे से ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। देखिए जो हमने डाला था पंचफोरन बिल्कुल ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं। अब डालेंगे हम इसमें हमारा ये जो पेस्ट है इसको डालेंगे। इसे हमें अच्छे से बिल्कुल ब्राउन होने तक और तेल छोड़ने तक अच्छे से पकाना है। अच्छे से बिल्कुल तेल भी छोड़ दिया है और अच्छे से ये भून भी चुका है। सरसों कड़वी होती है, ध्यान रखिए जो भी इसका पेस्ट बनाए बिल्कुल अच्छे से भूनना है, नहीं तो हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल कड़वी बनेगी। अब इसमें डालेंगे बेगी मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, और ये है अमचूर पाउडर। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। करेलों को इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जो भी मसाले हैं इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और इसे हमें ढककर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना। इसमें हमें अभी पानी नहीं डालना, इसे ढक देंगे। चेक कर लेते हैं 7 मिनट के लिए, इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 7 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार थोड़ा मैं धीरे धीरे इसे चला देती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये भुन चुका है। अब थोड़ा सा इसे पानी डालेंगे ताकि जो करेले हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, खाने में कच्चे ना रहें। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आधा कप से भी कम पानी डाला है। और इसे फिर हम 6 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, तो 2-3 मिनट पकाएं। ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखी चाहिए, तो इसे 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। तो मैं 5 मिनट के लिए ढकते रहेंगे। सब्ज़ी बन गई है, गैस ऑफ कर देंगे। करेला तो कड़वा होता है, सब्ज़ी भी कड़वी बनती है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर आप वैसे बनाकर खाएंगे तो आप रोज़ बनाकर खाएंगे सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो चलिए अब गैस को ऑफ करते हैं। करेले की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।